गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हमारा बेटा कंप्लीट हो चुका था। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रपिता। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जानते होंगे, फादर ऑफ नेशन कौन है हमारे राष्ट्रपिता? महात्मा गांधी। सुना ना आप लोगों ने नाम इनका कि नहीं सुना? सुना है तो इनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। मैं आज आपको वही चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, ध्यान से देखें। अस्मिन् संसारे जना जायन्ते म्रियन्ते च। अस्मिन् याने इस, संसारे याने संसार में, इस संसार में, जना याने लोग, इस संसार में लोग जायन्ते जन्म लेते हैं, म्रियन्ते च और मर जाते हैं। यानी कि संसार, भाई कोई भी व्यक्ति है, आज आप हो, मैं हूँ, हम लाइफ टाइम तो लेके नहीं आए ना भाई। हम भी जो आया है दुनिया में, जो संसार में आया है, उसका जाना निश्चित है, ये हम सभी जानते हैं भाई। ये एक कड़वा सच है कि जो आएगा वो जाएगा भी सही, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि इस संसार में लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। तेषु केचन, तेषु यानि उनमें से, केचन यानि कुछ लोग, यथाविधिम अनुतिष्ठन्ति, यथाविधिम नियम अनुसार अनुतिष्ठन्ति, येन ते अजरा अमरा देवतुल्याश्च कथ्यन्ते। भाई जो व्यक्ति, जिससे वे अजर अमर होते हैं और देवताओं के समान कहे जाते हैं। कहने का मतलब है कि उसमें से कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, नियम के अनुसार कार्य को करते हैं। जो व्यक्ति नियम के अनुसार कार्य करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? अजर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। मतलब कोई कार्य ऐसा कर जाते हैं जिससे हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं। और वो व्यक्ति कैसे होते हैं? देवताओं के समान कहे जाते हैं, देवतुल्याश्च, देवताओं के समान कहे जाते हैं। अस्माकं देशे अपि एतादृशा अनेका महापुरुषा अभवन। अस्माकं याने हमारे, देशे याने देश में, अपि याने भी, हमारे देश में भी एतादृशा, एतादृशा याने ऐसे अनेकः महापुरुषा अभवन, अनेक प्रकार के महापुरुष हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? प्राचीन काले, प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध, स्वामी रामकृष्ण, परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती इत्यादि महापुरुषा आसन। देखो क्या कह रहे हैं कि प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती इत्यादि आदि महापुरुषा, महापुरुष आसन यानी हुए हैं। महात्मा गांधी अपि एतादृश एव महापुरुषः आसीत्। महात्मा गांधी भी ऐसे ही महापुरुष थे। हो गया यहाँ तक क्लियर आपका फर्स्ट पैराग्राफ? दोबारा बता रही हूँ, इस संसार में कई लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। उनमें से कुछ लोग सोच समझकर अपने विधि अनुसार, नियम अनुसार अपने कार्यों को करते हैं, जिससे वे क्या होते हैं बेटा? अजर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं और देवताओं के समान कहे जाते हैं। ठीक है, हमारे देश में भी ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं। प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं। नाम सुने होंगे ना आप लोगों ने इनके।
महात्मा गांधी अपि यानी महात्मा गांधी भी एतादृश यानी ऐसे ही क्या हैं महापुरुष थे। अब देखो गांधी महोदयस्य जन्म, गांधी महोदय का जन्म अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांके 1869 तमे ईस्वीय काठियावाड़स्य पोरबंदराख्ये स्थाने अभवत्। गांधी महोदय का जन्म अक्टूबर महीने की कौन सी तारीख को हुआ था बेटा? द्वितीय दिनांक के अर्थात 2 अक्टूबर, गांधी जयंती मनाते हैं ना हम 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तस्य आद्य नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत। तस्य ने उनका प्रारंभिक नाम, उनका जो मुख्य मतलब जो नाम था वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। अयम महोदय भारतस्य राष्ट्रपिता इति रूपेण प्रसिद्ध अभवत्। अयम यानी यह महोदय यानी महोदय किसके लिए आया बेटा? अयम महात्मा गांधी के लिए। यह महोदय भारतस्य अर्थात भारत के राष्ट्रपिता अर्थात राष्ट्रपिता के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अस्य महापुरुषस्य प्रारंभिकी शिक्षा गुजरात राज्ये एव अभवत्। अस्य महापुरुषस्य अस्य ने इस महापुरुषस्य ने महापुरुष की प्रारंभिकी शिक्षा, प्रारंभ की शिक्षा गुजरात राज्ये एव अभवत्, गुजरात राज्य में ही हुई। यानी इस महापुरुष की प्रारंभिकी शिक्षा कहाँ पे हुई थी? गुजरात, क्योंकि गुजरात के थे ये, तो इन्होंने पहले की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी बेटा? गुजरात में की थी। ठीक है, तत्पश्चात विधि शास्त्र से अध्ययनार्थम अयम आंग्ल देशम अगच्छत। तत्पश्चात उसके बाद में विधि शास्त्र विधि क्या होता है? कानून, कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? ये आंग्ल देशम, यह अयम आंग्ल देशम अगच्छत। यह आंग्ल देश, आंग्ल देश का मतलब क्या है? इंग्लैंड, ये इंग्लैंड गए। ठीक है, शिक्षाम समाप्य स स्वदेशे आगत्य स्वराष्ट्रम परतंत्रम दृष्ट्वा तस्य स्वातंत्र्यार्थम प्रयत्नम अकरोत्। शिक्षा समाप्त करके क्या हुआ उसके बाद? यह उन्होंने अपने देश को स्वराष्ट्रम परतंत्रवा दृष्ट्वा, अपने देश को कैसा देखा? गुलाम देखा, परतंत्र दूसरे की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा, देखकर उसे क्या किया? स्वातंत्र्यार्थम स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयत्नम अकरोत, प्रयास किया। ठीक है, यहाँ तक दोबारा बता रही हूँ। जो गांधी महोदय थे उनका जन्म 2 तारीख को 2 अक्टूबर को दिना 1869 यानी 1869 में काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनका प्रारंभिक जो नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। और ये जो महोदय थे, कौन महोदय? महात्मा गांधी, वो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में भी प्रसिद्ध हुए थे। क्लियर आता है? इनकी जो प्रारंभिक की जो शिक्षा थी, बचपन की जो बाल्यकाल की शिक्षा थी, स्कूल की जो शिक्षा थी, वो उन्होंने गुजरात से ही ग्रहण की थी। और इसके बाद जब वो कानून की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए बेटा? इंग्लैंड गए। और जब शिक्षा समाप्त करके वहाँ से लौटे तो उन्होंने क्या देखा अपने देश में आकर के? कि अपना हमारे देशवासी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? दूसरे की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, मेरा देश परतंत्रता में है, तो उसको स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए।
इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा।